परसेंट वोट। तो ये आपने तस्वीरें देखी, इंद्रजीत कंडू हमारे सहयोगी हमें बीरभूम से भी बता रहे हैं, लेकिन ऐसे ही संघर्ष की लड़ाई, लेकिन तस्वीरें जरा ये आसनसोल वाली फुल स्क्रीन दिखाइए, देखिए ये पश्चिम बंगाल के आसनसोल की तस्वीरें हैं और यहाँ पर झड़प की खबर है, पुलिस ने लाठीचार्ज तक की है, नौबत ऐसी आ रही है, बताया जा रहा है एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता तो दूसरी तरफ अन्य दलों के कार्यकर्ता, ऐसे ही पिछली बार भी कई जगहों पर हुआ था, लेकिन ये लड़ाई और कोयला खदानों का जिनका जिक्र नलिनी जी और आलोक जी दोनों कर रहे थे, वैसा ही ये पूरा इलाका है, इसीलिए साख पर बहुत कुछ है। ममता बनर्जी ने खुद भी बहुत चुनाव प्रचार का जिम्मा यहाँ से संभाल रखा था और आशुतोष जी अगर इस लड़ाई और इस तस्वीर को देखें, पश्चिम बंगाल पर इस बार सबसे ज्यादा उम्मीदें बीजेपी लगाई बैठी है कि वो 10 का आंकड़ा क्रॉस कर सकते हैं और इसीलिए पूरी ताकत झोंक रहे। प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू में यहां तक कहा था कि पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी मुझे कुर्ता जरूर भेजती हैं, लेकिन वो खुद व्यक्तिगत रूप से इतना बदल चुकी है कि नेता के रूप में कि उन्हें यकीन नहीं होता, जिस पर रिएक्शन भी ममता बनर्जी का आया था, लेकिन ये लड़ाई बहुत। देखिए प्रधानमंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया था बहुत ही हाईली लोडेड पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, क्योंकि वो जानते हैं एक जमाने में बीजेपी को अनटचेबल माना जाता था कि जो भी उनके साथ होता था उसका नुकसान, उनको मालूम है कि वहाँ 27 से 28% मुस्लिम मतदाता हैं और अगर उनको ये मैसेज पहुँच जाए कि ममता बनर्जी अंदर ही अंदर मोदी जी की समर्थक हैं या मोदी जी को कुर्ता भेंट करती हैं तो उनको नुकसान होगा, तो ये मोदी जी का बड़ा लोडेड स्टेटमेंट। शरद पवार आ गए, इस पर जरा जिक्र कर लें, शरद पवार जिस तरह से एक तरफ कांग्रेस एनसीपी और दूसरी तरफ बीजेपी और शिवसेना, लेकिन जिस थर्ड प्लेयर को बड़ा महत्वपूर्ण बना दिया है शरद पवार ने वो है एमएनएस। राज ठाकरे खुद तो चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन वो वोट क्या बीजेपी शिवसेना का काट पाएंगे, ये एक दिलचस्प लड़ाई महाराष्ट्र की मुंबई की बन रही है। आशुतोष ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो ये हो रहा है कि जिस तरीके से शरद पवार ने पूरी कमान, दरअसल कांग्रेस की भी कैंपेन की कमान एक तरीके से उनके हाथ में है और राज ठाकरे को जो लाने का काम है वो शरद पवार का काम है, तो शरद पवार इस बात को लेकर कन्विंस्ड है कि ये आखिरी मौका उनकी ज़िंदगी का होगा, अगर अच्छे खासे वोट अगर आ जाए तो कहीं ना कहीं एक मौका उनके लिए भी हो सकता है देश के प्रधानमंत्री बनने का, जो 1999 में उन्होंने गंवा दिया था। तो शरद, जहां तक राज ठाकरे की बात है, राज ठाकरे दरअसल महाराष्ट्र के असली मैन ऑफ द मैच हैं, नॉन प्लेइंग कैप्टन भी हैं और खेल भी नहीं रहे के अंदर, लेकिन उसके बावजूद बिल्कुल मैं कह रहा हूं, मैं राज ठाकरे को, राज ठाकरे ने जिस तरीके से उन्होंने पूरे के पूरे कैंपेन को गैल्वनाइज करने का काम किया है, वो इस वक्त वहां पे ही हैज बिकम अ टॉक ऑफ द टाउन एंड इवन बीजेपी को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ रहा है कि ये कौन होते हैं, और इलेक्शन कमीशन से कंप्लेन किया है, आशीष सेलार जो बीजेपी के अध्यक्ष है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आखिरी दिन ये कहा है कि जो बातें कह रहे हैं झूठ बातें कह रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, तो एक ऐसे आदमी को आप क्यों तवज्जो दे रहे हैं।